अगर आंदोलन नहीं हुआ और हम एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से एस सी एस टी पिटता रहेगा, इसी तरीके से रेप होते रहे, इसी तरीके से राजस्थान में मेघवाल के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए आरएसएस के दबाव में उस समय अपनी जाति को ओबीसी में डलवा कर और ओबीसी में शामिल हुए थे। तो पहले जब ओबीसी को जब आरक्षण मिला था 90 के दशक में, इसी जंतर मंतर पर आग लगाकर बसों को जलाकर और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये आज पिछड़े आज आरक्षण उठा रहे, आज तुम्हारे पास जो है इतनी मतलब तुम्हारी औकात नहीं है बगैर आरक्षण के आप खड़े हो सकते हो। आज वही लोग हमारे आरक्षण को छीनने के लिए उसी ओबीसी के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी की जातिवाद जनगणना की मांग उठ रही है, क्यों नहीं ओबीसी की जातिवाद जनगणना करा देते और क्यों नहीं उन 10% मनुवादी की जातिवाद जनगणना है और आरक्षण को खत्म कर जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए। हम 27% छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमारे को आरक्षण देने का काम करिए, जब हम आपकी बात को मान लेंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल, आप देख रहे हैं जनहित आवाज में। इस वक्त हूँ जंतर मंतर पर मौजूद, जहाँ पर ओबीसी की तरफ से, ओबीसी महासभा की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी डिमांड है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति की संख्या के आधार पर जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। वही दूसरी तरफ जो दलित पिछड़ा आदिवासियों पर जो एट्रोसिटीज हो रही है इसको बंद किया जाए, ऐसी तमाम डिमांड है ओबीसी की तरफ से। जो ओबीसी महासभा है मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर रही है और दिल्ली में आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये तस्वीरें हैं ओबीसी महासभा की, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने स्पीकर बोल रहे हैं, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है, जहाँ पर ओबीसी की जाति जनगणना, ओबीसी की संख्या को लेकर जितनी उनकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को 85% समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के यादगार स्थल बनाए जाए, ऐसी तमाम डिमांड है वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 33% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% तक किया जाए, 50% तक, और जो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको तत्काल लागू किया जाए, तो ऐसी तमाम डिमांड है। और ये देखिए आप जन सैलाब देख सकते हैं, भीड़ लोग काफी जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से और कुछ लोगों से बात करके भी दिखाऊंगा। देखिए ओबीसी महासभा के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि भीड़ है, वहाँ पर बाइट चल रही है। जो ओबीसी महासभा के मेंबर हैं, साथी हैं, जुड़े हुए हैं, वो बाइट दे रहे हैं, उनकी दिखा सुनाते हैं आपको कि वो असल में क्या क्या डिमांड रखना चाह रहे हैं। ये देखिए एडवोकेट हैं ये ओबीसी के, इनके सुनाते हैं, सुन लीजिए। देखिए प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी जातिवाद जनगणना के साथ साथ उन मनुवादी 10% लोगों की गिनती करा दी जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी सभा से ही वो आते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि आपको ओबीसी के साथ ही अन्याय करता है? देखिए जब भाजपा सत्ता के लिए आने के लिए तरफ रही थी तब उनको पता था, आरएसएस को, अगर देश में ओबीसी समाज 70 से 72 करोड़ है और दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, अगर जब तक देश का कोई प्रधानमंत्री ओबीसी घोषित नहीं होगा तो ये देश के अंदर कभी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं बन सकता। तो मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए सबसे पहले आरएसएस ने मोदी के नेतृत्व में उसकी जाति को ओबीसी में शामिल किया, नकली ओबीसी बनाकर और 14 के अंदर उनको ओबीसी प्रधानमंत्री घोषित किया, जिसकी वजह से देश के ओबीसी समाज के लोगों ने, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने उनको वोट की ताकत से सत्ता में भेजने का काम किया। लेकिन देश के 75 साल आजादी में जितना 8 साल के अंदर ओबीसी समाज का हक अधिकार छीना गया, ओबीसी समाज को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, ओबीसी समाज को अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, देश की सारी सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ओबीसी समाज का इस देश के प्रधानमंत्री नकली ओबीसी ने किया। इसलिए अब ओबीसी समाज जाग चुका है, दोस्त और दुश्मन की पहचान हो चुकी है। इसलिए मैं खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपस में लड़ना बंद करो, एकजुट होकर अपने ओबीसी समाज के नेता जो हमारी आवाज नहीं उठाते उनके खिलाफ भी, और जो देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो हमारा खेत कर छीन रहे हैं उनके खिलाफ भी एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। अगर आंदोलन नहीं हुआ और हम एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से एससी एसटी पिटता रहेगा, इसी तरीके से रेप होते रहे, इसी तरीके से राजस्थान में मेघवाल के साथ हुआ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी मुकदमे
और बिल्डोजर चल रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में चल रहा है, ऐसे तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये बंद नहीं होगा जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, और जब तक बहुसंघ समाज के महापुरुष, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे महात्मा ज्योतिबाई फुले हो, परियार जी हो, चाहे वो ललित यादव हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जब तक हम उनके पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनके बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। आपने अभी मोदी जी को नकली ओबीसी कहा है, क्या प्रमाण है? देखिए, ये प्रमाण ये है कि वो ओबीसी समाज बनिया समाज से आते हैं, और उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय वहाँ पर बनिया समाज की जो गिनती ओबीसी समाज में नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए आरएसएस के दबाव में उस समय अपनी जाति को ओबीसी में डलवाकर और ओबीसी में शामिल हुए थे। यही कारण है आज पूरे देश के अंदर ओबीसी के आरक्षण को छीनने के लिए बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, जो पहले जब ओबीसी को जब आरक्षण मिला था 90 के दशक में, इसी जंतर मंतर पर आग लगाकर, बसों को जलाकर, और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये आज पिछड़े आज आरक्षण खा रहे, आज तुम्हारे पास जो है इतनी मतलब तुम्हारी औकात नहीं है, बगैर आरक्षण के आप खड़े हो सकते हो। आज वही लोग हमारे आरक्षण को छीनने के लिए उसी ओबीसी के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यादव ने उसका आरक्षण छीन लिया, कुर्मी ने उसका आरक्षण छीन लिया। मैं कहता हूं आज भी अगर हमारा आरक्षण किसी ने छीनना है तो वो 10% मनुवादी लोगों ने छीनना है, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग इन्होंने छीनना है और छीन रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और इस देश के प्रधानमंत्री को, अगर वो सही मायने में ओबीसी प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं, आज वो सबसे ज्यादा ओबीसी का जो हक अधिकार छीना जा रहा है, ओबीसी की जातिवाद जनगणना की मांग उठ रही है, क्यों नहीं ओबीसी की जातिवाद जनगणना करा देते, और क्यों नहीं उन 10% मनुवादी की जातिवाद जनगणना है, और आरक्षण को खत्म करके जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए, हम 27% छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमारे को आरक्षण देने का काम करिए, जब हम आपकी बात को मान लेंगे, और वरना हम रोड पर उतर कर वोट की ताकत से, जनसंघर्ष से आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार है, और आने वाले हिमाचल और गुजरात के साथ साथ 24 के चुनाव में वोट की ताकत से अब ओबीसी समाज के लोग आंदोलन करके इसको वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज ये जंतर मंतर से निर्णय लिया गया। अच्छा विजेंद्र जी, जो देखा जाता है कि जब ओबीसी समाज के वोट देने की बारी आती है या जो और भी दिखता है साफ साफ, ओबीसी जो है विचारधारा पे कम चलता है, व्यक्ति विशेष के पीछे ज्यादा है, तो कैसे बात बनेगी? देखिए, अब तो व्यक्ति विशेष और जाति की बात ही नहीं रही। आज 14 के इलेक्शन में तो एक हवा थी तो लोगों ने वोट दिया था, लेकिन 14 के बाद से 19 का इलेक्शन हो, जितने विधानसभा के इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जो है हमारी वोट की ताकत से नहीं, हमारी वोट की ताकत का जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था उसका पतन कर ईवीएम द्वारा, पैसे की ताकत से, प्रशासन की ताकत से इलेक्शन जीता जा रहा है। अब वोट की ताकत से इलेक्शन नहीं जीता जा रहा, अब ईवीएम सेट कर और हमारी वोट की ताकत को खत्म कर ये 19 का इलेक्शन जीतने का काम किया। तो आपको लगता नहीं कि 2024 में फिर से यही मापदंड अपनाए जाएंगे? बिल्कुल अपनाए जाएंगे, और लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ ना, इससे बचने का यही है कि ओबीसी समाज, एससी एससी समाज एकजुट होकर अगर अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरेगा, अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, तो आपका अधिकार बचेगा, आपकी वोट की ताकत बचेगी, वरना आने वाले टाइम में ना पर अत्याचार न्याय बंद होगा, ना आरक्षण छीनना बंद होगा, ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा, और ना ही धर्म बचेगा जिस धर्म की आप बात करते हो। इसलिए हम सब लोगों को रोड पर उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक रोड सुना होता है तो संसद में हमारी आवाज नहीं उठती, और जब रोड पे आवाज उठती है ओबीसी एकता जिंदाबाद, बहुसंघ एकता जिंदाबाद, तब जाकर संसद गूंजती है। इसलिए आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा WTP के नेतृत्व में, तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों ने एक आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री से और अपने लोगों से कि जल्द से जल्द SC ST के साथ ओबीसी जातिवार जनगणना कराकर और मनुवादी की भी जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से सब जगह उनकी हिस्सेदारी देने का काम करो, वरना ये लोग आने वाले चुनाव में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, सही समाज से हैं लगातार जो है। तो ये थे एडवोकेट गजेंद्र, जिनको आपने सुना, और साफ साफ कहना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ओबीसी महासभा और तमाम WP विद पीपल वाले लोग, जितने भी ऐसे बहुजन संगठन हैं जो बहुजनों के लिए काम करते हैं, उन्होंने साफ 2024 के लिए एक रोडमैप बनाया है जिसमें 2024 में
दिखाना है कि वोट के जरिए कैसे इस मनवादी सरकार को रोका जा सके। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ सीधे जंतर मंतर से, जहाँ पर ओबीसी के देश भर से लोग जुटे हैं और जो एट्रोसिटी है या जातिगत जनगणना है, ऐसी तमाम मांगे इनकी है जिसको लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। मेरे भाइयों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर ओबीसी महासभा की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर साफ साफ कहना है कि जो जातिगत जनगणना है उसको कराना है और जितनी जिसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो एडवोकेट गजेंद्र थे उन्होंने बताया कि इस तरीके से 2024 के लिए ओबीसी महासभा ने और तमाम जो इससे एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है संस्था है उन्होंने 2024 के लिए जो रोड मैप तैयार किया है जिसके जरिए 2024 में मोदी को रोकना है और मनवादी सरकार को रोकने का काम करेगी ओबीसी महासभा ओबीसी समुदाय। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।